पीएम मोदी पूरे देश में जिस गुजरात मॉडल का नगाड़ा पीटते फिरते हैं, असल में उस गुजरात की हकीकत कुछ और ही है। गुजरात मॉडल का चेहरा इतना स्याह है कि जनता अब बीजेपी से छुटकारा चाहती है। बीजेपी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ गई, पोषित आहार न मिलने से बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश के भविष्य का विकास ही अधर में रह गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में शिक्षा का स्तर तो बस भगवान भरोसे है। बीजेपी सरकार ने जनता के साथ बड़ा खेल कर दिया है। गुजरात मॉडल पर गुमान करने वाली बीजेपी के मुंह पर तमाचा है भारत सरकार के NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ये आंकड़े। शिशु मृत्यु दर में मोदी जी का गुजरात देश में 19वें स्थान पर है। बच्चों में कुपोषण के मामलों में तो गुजरात जमीन में ही धस गया। बच्चों में उम्र के हिसाब से कम लंबाई की बात करें तो गुजरात 30 राज्यों में 26वें स्थान पर है। यही नहीं, लंबाई के हिसाब से कम वजन के मामले में गुजरात ने नीचे से टॉप कर दिया है। 30 राज्यों में गुजरात 29वें नंबर पर है। गुजरात मॉडल में महिलाओं की शिक्षा साल दर साल गर्त में जा रही है। 2005 में गुजरात देश में 15वें स्थान पर था। 2020 में चार पायदान फिसल कर 19वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि 18 साल से पहले महिलाओं के विवाह के मामले में गुजरात 20वें स्थान पर है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। इन 27 सालों में बीजेपी ने गुजरात को तबाह कर दिया है। वाहवाही में मोदी जी के करोड़ों के पोस्टर लगाकर गुजरात मॉडल को नंबर वन बताने के लिए बीजेपी ने जान झोंक दी, लेकिन सच्चाई कहां छुपती है? हकीकत तो यह है कि पीएम मोदी और बीजेपी ने गुजरात को गुमराही के अलावा और कुछ नहीं दिया।